ग्वालियर में जयश्री गणेश हॉस्पिटल की लापरवाही के चलते एक युवक की जान चली गई। दरअसल युवक को पीठ का दर्द की शिकायत होने की पर परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, जहां डॉक्टरों द्वारा गलत इंजेक्शन लगाने से युवक की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और कुछ ही देर बाद उसने दम तोड़ दिया, जिससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। वहीं मामले की जानकारी पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अपना ये 6 नंबर चौराहा है, वहाँ 7 नंबर से जाते हैं अपन। वहाँ पर अपना श्री राम जानकी मंदिर बना है, उसके सामने हॉस्पिटल बना है श्री गणेश, उसमें ले गए हम रात को 10:30 बजे। उनने एक इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद 5 मिनट उन्होंने हमसे बात करी, उठ गई तो मैं सही हो गया हूँ। फिर 5 मिनट बाद उनको दर्द दोबारा हुआ तो उन डॉक्टर ने बोला एक कम करो, आप आई सी यू में चलो, वहाँ पे आपको बोतल लगा चढ़ाते हैं। आई सी यू में चल के जैसे गए ना, हल्के उसी स्पॉट पर खत्म हो गए। अगले कुछ नहीं, उन्होंने पीठ में दर्द था पीछे, बस पीट का वो कुछ नहीं थी। इंजेक्शन लगाने के बाद 10 मिनट में खत्म हो गए वो। कुछ नहीं, हमें तो कुछ नहीं पता था, थाने में आए तो सुबह बताया था, दीमान जी बोले वहाँ चलना चाहिए था, तो जेल में जाके आए तो बोले यहाँ पीएम कराना है। सुनील नाम कर रखा है, सुनील नाम। अपना